भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते। ले सकते हैं। बड़ा महाजनों में से ज्यादा महाजन गृहस्थी हुए, अनेक संत बड़े बड़े गृहस्थी हुए, ये और बात है। आज कलयुग के कुछ सन्यासी और ब्रह्मचारी कहते हैं कि सिर्फ मैं ही साधु हूँ, मैं ही हरि नाम दे सकता हूँ, मेरे कारण ही हरि नाम हो सकता है, मेरे पास ही आओ। ये सब आडंबर है, दम्भ है और ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, शास्त्र विरोधी बात करते हैं। ये शास्त्र संगत बात नहीं। हरि नाम कोई भी कहीं भी कर सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है, ये मूल मंत्र है। इतना ही, हरि नाम कोई भी कहीं भी कर सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है, वैष्णव बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप इतने परम शुद्ध वैष्णव हो, तो आपके मुंह से सुन के मुझे आनंद होगा। उनको बार बार कहते थे, हरिदास ठाकुर रोने लगते थे, छटपटाने लगते थे, व्याकुल हो जाते थे, प्रभु मैं अधम कुल में जन्मा हूँ, यवन के यहाँ पैदा हुआ हूँ, कभी स्कूल नहीं गया, मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी भगवान कहते थे, कहो कहो, आप श्रेष्ठ कहेंगे, मुझे मालूम है। और वो कहते थे, हरि नाम के जैसा और कुछ भी नहीं है। कृष्ण के रत्न के भंडार में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ रत्न है तो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में सभी को रहना चाहिए और अनेक अनेक बारह महाजन, पहली शिक्षा तो भगवान से लेनी चाहिए, बारह महाजन से लेनी चाहिए। और अनेक अनेक जो साधु संत आए, महात्मा आए, उनके जीवन में झांक के गृहस्थ आश्रम अपना ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि आपके घर में भी भगवान आए। एक माता पिता ने बच्चों को बहुत पढ़ाया, मरीन इंजीनियर बनाया, और मैरिन इंजीनियर अब जहाज पे रहते कैप्टन बन गया। अब वो 6 महीने के उसका पहला साइन किया उसने, प्रोजेक्ट 6 महीने के लिए चला उससे जहाज पे, कैप्टन है, बड़ा गुरूर। 6 महीने बाद आया तो घर में आया तो हिलते हिलते बात करता रहा, बोलता है, अरे माँ आपको मालूम नहीं, जहाज जब चलता है तो हिलते रहता, तो आदत पड़ गई। क्या हो गई ये आदत पड़ गई है। माँ ने बोला, बचपन में मैंने तुझे बहुत पीटा था, शरारती था, तू पढ़ता नहीं था, बहुत पीटता था, लेकिन मेरी तो आदत नहीं पड़ी, अभी तेरे को पिटाई तो नहीं कर रही हूँ।
मेरी तो आदत नहीं हुई, कहा पीट रहे तेरे को, प्यार से खिला रही हूँ, प्यार से रख रही हूँ। ये आदत वादत कुछ नहीं होता बेटा, ये सब जो घटिया सटिया चीज जो ले लिया है जीवन में, उसको हाथ पकड़ के सीधा खड़े ले, डांटा उसको दो बार चार थप्पड़ लगाऊंगी, आदत हो गई, फिर सीधा हो गया एकदम, समझ गई। सो कॉल्ड क्वालिफाइड, कैसे सो कॉल्ड क्वालिफाइड, चार अक्षर पढ़ गए, दुनिया को भी खूब समझने लग गए, और ऊपर भगवान सोचते हैं इसको इसीलिए बुद्धि दिया था गधे को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की सेवा में लगता हूँ, और जितने लग सकते उनसे निवेदन करता हूँ लगी, और इसीलिए सब आयोजन हम सब भक्त इस कांग्रेस कांग्रेगेशनल सोसाइटी फॉर हरिनाम संकीर्तन फाउंडेशन के भक्त मिलकर के व्यवस्था बनाते, खुद भी हरिनाम करो और सबको भी करा के गृहस्थ आश्रम में भगवान जैसे कहा है वैसे रह के आनंद करो, और अंत समय में भगवान धाम गए तो गए, नहीं तो भगवान सेवा की अभिलाषा में भगवान की सेवा करते रहते, बस उसकी इच्छा नहीं हुआ तो ठीक नहीं, भगवान की सेवा मिलनी चाहिए, हरिनाम चलते रहना चाहिए जरूरी। तो इसी प्रकार से क्यों सीखा इतना, क्योंकि नारद जी कोई स्कूल में तो गए नहीं थे, देवताओं के गुरु बन गए है ना, हरिदास ठाकुर कोई स्कूल तो गए नहीं, तुकाराम जी कोई बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं, क्योंकि उनके पास जो विद्या थी, उनके पास जो ज्ञान था, परम दिव्य ज्ञान था, वो भगवान से आया हुआ था। इसलिए ये जो क्वालिफिकेशन है शिक्षा है उसके सामने कचरा था, कचरा मल था मल। तो इस प्रकार से हम सबको नारद जी और तुकाराम जी के तरफ भजन करना चाहिए, गृहस्थ में रह के गृहस्थ मेहती बन के खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चों को भक्त नहीं बनाएंगे, धोती कुर्ता नहीं पहनाएंगे, तिलक कंठी नहीं मिटाएंगे, एकदम मलिच यवन जैसे, न सिका न तिलक, बस पैजामा और पैंट पहनाना सिखा दिया बचपन से। क्या कहते हैं गांव में तो फुल पैंट को दुनाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं गांव वाले पैंट को दुनाली बोलते हैं, ये दुनाली वाला आ गया, कोई साधु संत महात्मा धोती वाला को फुल रिस्पेक्ट देते बुजुर्ग लोग, कहते हैं मैंने लिखा पैंट और पैजामा कराता है हंगामा, क्या कराता है पैंट और पैजामा कराता है हंगामा, और साड़ी और धोती, साड़ी और धोती जो लोग साड़ी पहनते हैं धोती पहनते हैं वो लोग निरंतर हरि नाम करते रहते हैं। साड़ी शुद्ध है, सीता जी साड़ी पहनती थी, जानकी जी क्या पहनती थी कि पैंट शर्ट पहनती थी, ये पैंट पैजामा हंगामा कराने वाला, राम जी क्या पैंट पहनते थे कि धोती पहनते थे। चलो गृहस्थी में है, मान लिया ऑफिस जाना है, आपको शर्म ही आता है संसार को देख के, दारू पीने के टाइम तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बुद्धिमान पढ़े लिखे इसलिए नहीं आता है, लेकिन धोती पहनने में आता है ना, शादी करने टाइम नहीं आता, फटाफट पहन लिया था, पंडित जल्दी जल्दी पहना दो शादी करता है। तो भाई पैंट पजामा पहनना, सत्संग में आने टाइम धोती कुर्ता पहनना चाहिए, मंदिर में घर में पूजा करना है धोती कुर्ता, शुद्ध है ये। राम जी भगवान कृष्ण धोती पहनते थे, पीताम्बरी पहनते थे, और जितने भी स्त्रियां जो पवित्र शुद्ध हुई जगत में आदर्श बनी साड़ी पहनती थी। धोती पहनने वाला कुछ तो संस्कार रखता है, क्या रखता है, तो गृहस्थ आश्रम में रोज सुबह शाम धोती पहनना चाहिए। पांचों पांडव क्या पहनते थे, अरे जंगल में रहे बेचारे फिर भी धोती पहनते थे, ऊपर का नहीं था तो गमछा रख लेते थे। हमारे ऋषि मुनि हमारे साधु संत महात्मा धोती पहनते थे, हम किससे भी नहीं सीखते, इतने पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड, क्या है हाईली क्वालिफाइड, यू नो आई एम डॉक्टर है ना, हाईली क्वालिफाइड क्या डॉक्टर लोग थोड़े धोती पहनेगा, यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब धोती पहने कहाँ गए,
और कही जाए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से परिधानों का बड़ा महत्व है जीवन में, बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग कुछ सीखते नहीं अपने बुजुर्गों से, अपने परंपरा से, अपने संस्कृति जो हमारा है उससे, हमारे संस्कृति से नहीं सीख रहे हैं। कि ब्रह्मानंद प्रभु पैसे से डॉक्टर है, धोती पहन के आते, और भक्त ही प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया हुआ। आप सब ने भी दीक्षा लिया हुआ है, सब गृहस्थी बैठे हैं। दीक्षा लिया है किसी से आप लोगों ने? कितने लोगों ने लिया, हाथ उठाइए कितने? सच सच झूठ मत बोलिएगा। शास्त्रों के आधार पे लोग जीते नहीं, प्रामाणिक गुरु नहीं बनाते, सब अपने पसंद से जो अच्छा लगता है बस वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ट्रैपिंग का शिकार बन के घूम रहे हैं इधर शहर में। आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कहाँ भगवान प्रसन्न होने वाले हैं? भगवान ने हम सबको स्वतंत्र छोड़ा है। क्या छोड़ा है? गीता का उपदेश देके स्वतंत्र छोड़ा है। इतना भी नहीं समझ रहे साधु लोग, खाली लाल कपड़ा पहना है। मैं क्यों इनको पकड़ना चाहता हूँ? क्या साधु है, क्या फिलॉसफी आता है? प्रभुपाद का नाम बर्बाद कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर्वतराज हिमालय की पुत्री परम वैष्णवी रोज हरि नाम, एक ही काम हरि नाम हरि सेवा, गुरु नारद जी भगवान के अवतार भी और परम शुद्ध भक्त भी, देवताओं के गुरु भी। ऐसे गृहस्थी नारद शिव जी और पार्वती जी रोज भगवान का हरि कीर्तन करते, हरि कथा सुनते, कहाँ? कैलाश पर्वत के ऊपर। पूरा परिवार भक्त है, हरि भक्त। अभी गणपति जी के बारे में बताया, कार्तिकेय भी हरि भक्त हैं। शिव जी अपनी पत्नी को शिक्षा देते हैं। शिव जी पार्वती जी स्त्री होने के कारण कभी कभी डिमांड करती हैं। पत्नी है, डिमांड करना भी चाहिए, अर्धांग लेनी है, हक रहता है आधे पे। तो शिव जी समझाते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कौन समझा रहे? शिव जी, महादेव, देवाधिदेव महादेव। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती आप मेरी प्राण प्रिय हैं। क्या है? प्राण प्रिय है। मैं सच कहता हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैंने जो पूरे जीवन में सीखा हुआ आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी धर्म पत्नी हैं, आप मुझे अतिशय प्रिय हैं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। क्या सीखा, शिक्षा दे रहे, सिखा रहे हैं उनको, क्या उपदेश कर रहे हैं? पति का धर्म है पत्नी को ज्ञान दे, भागवत शिक्षा दे, बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे वातावरण में, माहौल में। पति गुरु होता है पत्नी का, पति भी होता है लेकिन गुरु भी होता है। तो यहाँ पे गुरु बन के शिक्षा दे रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये हरि का भजन मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ, हरि का भजन। ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये जो रामचंद्र है, लड्डू गोपाल है, ये हरि है। यही सभी कारणों के कारण है, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमें सिखाया है। वो भी चार मुंह से दिन रात हरि राम गाते हैं, इसलिए उन्होंने चार मुंह बनाया है। ये कलयुग के जीव जैसे नहीं, चेहरे के ऊपर चेहरा लगाया है। ब्रह्मा जी ने चार मुंह हरि राम करने के लिए लगाया है। ये कलयुग के ग्रह में ये जीव चेहरे के ऊपर चेहरा लगाया है। अंदर से क्या है? शैतान है, ठग है, छली है, बाहर से दिखाता है एटीट्यूड।
क्या है, क्वालिफाइड है, हाईली है, बड़ा सरल है, नम्र है, विनम्र है, साधु तक बन जाते हैं लोग, सन्यासी बन जाते, ब्रह्मचारी बन जाते, ठकने का काम करते, कंपनी बनाने का काम करते। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि का भजन ही सच है, यही एक आनंद का कारण है, यही जीवन को ऊंचा उठाने वाला है, यही चित्त को शांत करने वाला है, इसी से हमेशा सुख का अनुभव होता है। बाकी जगत सब सपना है, रात को जैसे सपना देखते हैं, सुबह कुछ हाथ लगता नहीं, ऐसा जगत है। बहुत जमा किया किया, अचानक मालूम पड़ा बाबूजी तो गए। क्या हुआ बाबूजी तो? अरे अच्छा खासा रात को खा पी के सोए थे, बतियाए थे, हाथ पैर दबाए थे, सुबह उठ रहे नहीं किए। अरे बेटा कॉलेज गया था अमेरिका पढ़ने के लिए, वहीं उसकी हत्या हो गई, हजारों स्टूडेंट की हत्या अमेरिका में निग्रो लोगों ने कर दिया, फिर भी ये माता पिता सीखते नहीं, रोज भेजते लोन लेके। क्या लेके भेजते? लोन, कर्जा, बैंक से लोन लेते। किस लिए? ये जगत में थोड़ा सा नाम चाहते। क्या चाहते? नाम चाहते, थोड़ी सी नाम के लिए इतना सब पाप, बेवकूफ मुर गए क्या? लोग ऐसे ही हैं, लोग कलयुग के ऐसे हो गए। उसका कारण एकमात्र है भागवत धर्म का पालन नहीं, युधिष्ठिर महाराज को ठीक से देखा नहीं, सुना नहीं, चिंतन नहीं हुआ, युधिष्ठिर महाराज का जीवन से कुछ लिया नहीं, पांडवों से कुछ सीखा नहीं, देख लिया महाभारत, क्या बढ़िया सीरियल बनाया बीआर चोपड़ा ने, पूरे शहर में कर्फ्यू लग गई थी। ये कलयुग है, ये लोग ग्रह में दिए, ग्रह आश्रम वाले नहीं, तो शिव जी से भी नहीं सीखा, पार्वती परम वैष्णव, इसलिए नाम वैष्णव देवी, उनसे तो सीखो, उनसे तो सीखो, बच्चों को भक्त बनाया गणपति भगवान, नरसिंह का परम भक्त, कार्तिकेय भगवान कृष्ण का परम भक्त, सब भक्त है पूरा। अरे स्वयं भगवान कृष्ण गृहस्थी, क्या भगवान कृष्ण गृहस्थी, राम गृहस्थी, भगवान कृष्ण ने तो आखिरी कर दिया, क्या कर दिया, जितने आए सबको अपनाए, जिन्होंने रो रो के आए भगवान के पास, सबको कहा रहो मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं। क्या हूं मैं? परम पुरुषोत्तम, अपने आप को इतना विस्तार कर सकता हूं, 16108 बना लिया भगवान। किस लिए बनाया? स्त्रियों का रक्षा करने के लिए, विवाह इसलिए नहीं किया भोगी बन जाओ, कामी पापी बन जाओ, उन स्त्रियों का पतन ना हो जाए, वो नरकासुर के जेल में बनती, उनको उनको इज्जत देने के लिए, उनको मान देने के लिए अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि संसार में उनको लोग दोष देंगे, उनपे छींटे उड़ाएंगे। आज कैसा संसार है, खुद काले रहते हैं लेकिन सफेद चेहरा लगा के दूसरे पे उंगली उठाते हैं। भगवान ये सब जानते थे कि इनके साथ ऐसा होगा, इसलिए सभी को अपना धर्म पत्नी बनाया और अपना विस्तार करके हर के साथ रहे, हर के पास एक एक महल दिया, सबके साथ 10-10 बच्चे उत्पन्न किए और सबके साथ एक एक बच्चिया, 10 और 11 पुत्र और पुत्रियां थी भगवान के। घर पे जाके जोड़िएगा 16,008 × 11 कितने हो गए। नारद जी चक्कर में पड़ गए, नारद जी ये सच है क्या भाई, कलयुग के जीव तो एक में बाल खिंचा गया बेचारे का, कलयुग का जीव एक में बाल खिंचा गया, मैं क्या कहा, कुत्ते जैसे घर में रहते हैं कलयुग के जीव, जब झगड़ा होता है ना स्त्रियां क्या करते, दोनों एकदम कुत्ते जैसे लड़ते, जाओ जाओ तू एकदम पागल है, तेरे साथ शादी होके मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा किस्मत टूटा हुआ था, पता नहीं कौन सी घड़ी थी, ये कुटुंब लोगों ने हमारा नरक बना दिया, सबको पूरा 20-30 साल का दे देते उसको, और ये भी दे देता है, तू किसी काम की नहीं, ये नहीं वो नहीं,
पचासों शादियां कर सकता हूं, फलाना ढिकाना। दो कुत्ते कैसे लड़ते हैं इसे ध्यान से देखिए, घर से निकल जाता है बिना कुछ खाए पिए। अब थोड़ा टाइम बीतता है, दो चार घंटा बीत गया है ना। बीतने के बाद ऑफिस में उसका दोस्त पूछता है, खास दोस्त, क्या यार आज तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। क्या पूछता है, क्या यार बहुत चमक रहा है, भाभी ने कुछ आलू के पराठे घी वाले दिए क्या, टिफिन तो दिखाओ। अब तो बेचारा फंस गया, टिफिन क्या दिखाया, टिफिन तो आ जाएगी ना, रोज तो सूखी रोटी मिल भी जाती थी, आज तो टिफिन भी नहीं है, पीछे पड़ जाता है, टिफिन तो दिखाओ, टिफिन तो दिखाओ। और वो तारीफ करने लगता, अरे क्या तेरी पत्नी तो भगवान की कृपा से मिली है तेरे को, तेरे घर पे एक ही बार गया था जब तेरा शादी हुआ था दो दिन के बाद, और भाभी जी ने क्या बढ़िया आलू के पराठे घी वाले गर्मा गर्म और बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी, वो क्या खजूर वाली जो किशमिश डाला हुआ था, मैं तो दो ही खाता था लेकिन छह खा लिया था उसने, सच में तू भाग्यवान है। अब झगड़ा भूल जाता है, उधर रह जाता है, सोचता है मैं ही बेवकूफ हूँ, मेरे में कमी है, देखो मेरा दोस्त इतना अच्छा बात कर रहा है, मेरा ही बुद्धि खराब हुआ, झगड़ा कर लिया। तुरंत मोबाइल निकालता है और फोन लगाता है, भूल गया कि सुबह धक्का मार के घर से निकला था, आज मैं घर पे आने वाला नहीं हूँ। क्या बोलता है, आज मैं घर पे आने वाला नहीं हूँ, खाना वाना मत बनाना मेरे लिए। क्या बनाना, खाना वाना मत बनाना। अब ये भी बेचारी सोचती है काय के लिए झगड़ा किया, चलो थोड़ा सा सह लेते थे। बच्चे को फोन दे देती है और सिखा के देती है, पप्पा को बोल आज आलू के पराठे घी वाले बने हैं। क्या बोलती, ए मिंटू, पप्पा को बोल, मिंटू बोल नहीं रहा है, मिंटू तो गोद में, ए मिंटू पप्पा को बोल आलू के पराठे घी वाले और बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी खजूर वाली बनी है। अब फिर से दोस्ती हो जाता, फिर लाठी पड़ते, फिर झगड़े, फिर कुत्ते जैसी हालत, भजन नहीं होते, ऐसे जीवन चलता है, भयंकर स्थिति है ग्रह में भी गृहस्थी की। भगवान के घर में आनंद है, क्यों आनंद है, 16108 है, इतने बच्चे हैं, सब आनंद है। नारद जी कंफ्यूज हो गए, देखने जाते आनंद क्यों है, वह नारद जैसे देवर्षि या कोई भी साधु संत चला जाए, जैसे कि सुदामा चला गए थे, उनका स्वागत होता है, सिंहासन पे बिठाए जाते हैं, उनका चरण धोके पी लेते हैं भगवान, उनको अनेक प्रकार से सेवा करते हैं, उनकी आदर करते हैं, और रोज अनेक अनेक संतों के द्वारा वहां पे भगवान की गुणगान कथा गाई जाती है, भगवान सुनते हैं संतों के मुख से, भगवान संतों की चरण धोली अपने सिर पे चीटते हैं, गोपियों की पीछे पीछे चलते थे, इसके धूल उड़ेंगे तो शुद्ध होऊंगा, पवित्र होऊंगा, ये मुझे इतना प्रेम करते हैं। सभी गोपियां ग्वाल बाल गोप गरस्त है, भगवान के शुद्ध भक्त जितने हुए ना, परम शुद्ध भक्त सब लगभग गृहस्थी थे। श्रेष्ठ जिसको भक्त शिरोमणि गोपियों को कहा जाता, उसमें भी राधा रानी, ये सब गृहस्थियों के यहाँ आए थे, ब्रिजभानु और कीर्तिदा माँ के यहाँ आए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भी गोपियां हैं राधा रानी के साथ अष्ट सखी है, जो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन भजन अनेक प्रकार से निपुण है, भगवान को प्रसन्न करने में सेवा करने में उनका एक ही काम है, दिन रात भगवान कैसे प्रसन्न होंगे इसी चिंतन में रहती है, क्या बनाऊं क्या खिलाऊं, कैसे सजाऊं कैसे झुलाऊं कैसे सुलाऊं, किस प्रकार से भगवान प्रसन्न होंगे, ये सब ग्रस्त लोग हैं। भगवान के लिए गोपियों ने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सास से मार खाए, ननद से गाली खाए, जगत का लाज प्रवाह नहीं किया कि अब घर छोड़ रही हूँ, भगवान के प्रेम में भगवान की सेवा में हमें कौन अपनाएगा, कौन रखेगा, कौन खिलाएगा,
भगवान पे आश्रित हो गई। ये गृहस्थ जीवन की महिमा है, ये गृहस्थी होने की सार्थकता है, श्रेष्ठता है। हम लोग तो गृह में दिए हैं, चालाक लोग हैं, चालू राम हैं, क्वालिफाइड है, शिक्षित है, ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी नहीं, पंडित नहीं, अधम जैसे। कैसे है? अधम जैसे, नराधम हो गए। तो भैया अभी थोड़ा मैं एक ही दो शब्द पे अटका हुआ, युधिष्ठिर पे खाली अटका हुआ, युधिष्ठिर महाराज पे। ये युधिष्ठिर महाराज की महिमा है। क्या ये कृपा भी उनकी है। ऐसे शुद्ध पवित्र जीवों का ये कृपा है कि आप उनके गुणगान में कई दिन बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत सिर्फ पाप नाश करती है। क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा अच्छा सुन लिया, आचरण कर लिया तो मुक्ति प्राप्त करा देती है। भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए हरि नाम हरि सेवा करना पड़ेगा और भागवत रस को पीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा। जैसे परीक्षित महाराज भगवान के भक्त पिया था उन्होंने। लोग कहते भागवत सुनेंगे एकदम भगवत धाम चले जाएंगे। अरे ठीक से पढ़ो तो भागवत लिखा है सिर्फ पाप नाश होगी, नाश करेंगे फिर जमा कर लेंगे, जाके बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे, हो गए वही के वही एज इट इज, यथा रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान से लेके संतों तक, भक्तों तक, सभी गृहस्थ आश्रम में ज्यादा से ज्यादा भगवान को प्राप्त किया है, भगवान को भज के उनकी सेवा करके। और इस वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन कह रहे हैं? मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं, देवताओं के गुरु, भगवान के अवतार हो। क्या कह रहे हैं? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलौ नास्ते गतिरन्यथा। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।